Hello learners, this is our class 5 of Companies Act 2013. This is our unit 9, that is Legal Aspects of Business, paper code 08 Commerce. So let's start this class. देखिए हमने टू टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, दैट इज़ काइंड्स ऑफ कंपनीज एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. आज हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मीटिंग्स ऑफ कंपनी. कितने टाइप्स की मीटिंग्स होती हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ शेयर होल्डर्स मीटिंग, मीन्स शेयर होल्डर मीटिंग जो है वो थ्री टाइप्स की हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग. डायरेक्टर की कितनी मीटिंग्स होती हैं, टू टाइप्स की मीटिंग्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग एंड कमेटी मीटिंग. नेक्स्ट इज स्पेशल मीटिंग्स कितने टाइप की होती हैं, क्लास मीटिंग्स एंड क्रेडिटर्स मीटिंग्स. ये मैंने सारी टाइप्स ऑफ मीटिंग्स कवर की हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा. सो स्टार्ट करते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग. देखिए स्टैट्यूटरी मीटिंग को अगर हम सिंपल टर्म्स में बताएं तो ऐसी मीटिंग होती है जो सिर्फ एक ही बार होती है और एक पब्लिक कंपनी उसको कंडक्ट करती है, कोई भी प्राइवेट कंपनी उसको कंडक्ट नहीं करती. प्राइवेट कंपनी चाहे वो लिमिटेड बाय शेयर्स हो, चाहे लिमिटेड बाय गारंटी हो, कोई भी हो, वो स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो कंडक्ट नहीं करती है. और स्टैट्यूटरी मीटिंग को अब हम पढ़ते हैं, इट इज़ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी. इसको मार्क कीजिएगा कि स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी कंडक्ट करती है. इट मस्ट बी हेल्ड, इसका टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पीरियड में इसको कंडक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है. जब कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक सर्टिफिकेट मिल गया है उसके विद इन वन मंथ के बाद और 6 मंथ से पहले, इस टाइम पीरियड में उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो कंडक्ट करनी होती है. सो इट मस्ट बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 मंथ नोर मोर देन 6 मंथ्स, मीन्स 6 मंथ से पहले एंड 1 मंथ के बाद. फ्रॉम द डेट ऑफ विच एट विच द कंपनी इज इंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस, मीन्स जब से उसने कमेंसमेंट करनी है बिजनेस की. इट इज़ हेल्ड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी, मीन्स पूरी लाइफ टाइम जो है कंपनी की उसमें सिर्फ ये एक ही बार होती है स्टार्टिंग में. सो पर्पज़ क्या है इसका, टू पुट द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इन द पोजिशन ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द न्यू कंपनी. देखिए अगर ये शेयर होल्डर की मीटिंग हो रही है तो उनको सारे फैक्ट्स बताना कि कितना शेयर कैपिटल आया है, कितना पैसा हमने कलेक्ट किया है, कितने हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, इससे सारी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होल्डर्स को देने के लिए ये मीटिंग कंडक्ट की जाती है. व्हाट शेयर्स हैव बीन टेकन अप, व्हाट मनी रिसीव्ड, कितनी मनी रिसीव हुई है, इन सब के लिए ये मीटिंग कंडक्ट होती है. तो कुछ इसके कंटेंट हैं वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, बट उससे पहले हम देख लेते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डे ऑन विच द मीटिंग इज टू बी हेल्ड फॉरवर्ड अ रिपोर्ट कॉल्ड द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी. देखिए जिनको भी वो मीटिंग अटेंड करनी है उनके पास एक नोटिस भेजना बहुत ज़रूरी है एटलीस्ट 21 डेज पहले कि हम एक मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं और आपको यहाँ पर मीटिंग अटेंड करने के लिए पहुँचना है. और अब स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी हम उसके साथ अटैच करके, उस नोटिस के साथ अटैच करके उनके पास भेजेंगे. और उस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में क्या क्या होगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, एंड अकाउंट ऑफ एस्टिमेट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की कंपनी के एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, नेम और एड्रेस जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स के हैं वो भी मैंशनड होंगे. पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इन टू विच कंपनी एंटर्ड इन टू, मीन्स कंपनी किस किस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई है वो भी सारे पर्टिकुलर्स इंक्लूडेड होंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में. कोई भी एरियर्स अगर रह गए हैं, कॉल्स अगर अभी मंगवानी हैं शेयर होल्डर से वो उसमें मैंशन होगा. नेक्स्ट इज़ पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कमीशन और ब्रोकरेज, किसी को हमने कमीशन देनी है या ब्रोकरेज पे करनी है, मीन सारे एक्सपेंसेस जो हैं कंपनी के वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे. तो ये सारे कंटेंट हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के. नेक्स्ट इज एनुअल जनरल मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो कंप्लीट है वहाँ पे. अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट, एनुअल जनरल मीटिंग. देखिए हर साल एक कंपनी को कंडक्ट करनी होती है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या फिर वो प्राइवेट कंपनी हो. और अगर वो 1 ईयर के अंदर कंडक्ट नहीं कर सकती तो उसे 3 मंथ्स का और टाइम दिया जाता है आफ्टर 12 मंथ्स, मीन्स 15 मंथ्स के अंदर तो उसको कंडक्ट वो करनी ही होती है. सो इट मस्ट बी हेल्ड
by every type of company, whether private or public, limited by shares or limited by guarantee, with or without share capital or limited company, means किसी भी company हो उसको annual general meeting जो है वो once a year conduct करनी होती है. Annual का meaning ही यही है कि एक साल में एक बार तो conduct आपको करनी है ये meeting. Every company must in each year hold an annual general meeting. Not more than 15 months must elapse between two general meeting. दो जनरल मीटिंग्स के बीच में 15 मंथ से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए. हाउ एवर अ कंपनी मस्ट होल्ड इट्स फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. देखिए, वैसे तो हमने बताया कि टू जनरल मीटिंग्स एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में 15 मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट अगर वो फर्स्ट जनरल एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करी आफ्टर द कमेंसमेंट, तो उसमें उसको 18 मंथ्स लग जाएँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मीन्स उसके इनकॉर्पोरेशन के 18 मंथ्स बाद भी वो अपनी फर्स्ट जनरल मीटिंग को कंडक्ट कर सकती है. अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट, इसमें भी 21 डेज पहले एक नोटिस भेजना पड़ेगा कि आपको ये एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो आपको अटेंड करनी है. द टाइम, डेट, प्लेस, मीन्स सब कुछ उसमें मेंशन होगा नोटिस में. टाइम, उसका डेट, उसका प्लेस, कहाँ पर आपको आना है, ये सब नोटिस में मेंशन होगा. नेक्स्ट इज द नोटिस ऑफ द मीटिंग मस्ट बी एकम्पेन्ड बाय अ कॉपी ऑफ एनुअल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी. मीन्स नोटिस के साथ हमने एनुअल अकाउंट्स ऑफ कंपनी जो है उसकी कॉपी भी अटैच करनी है. डायरेक्टर की रिपोर्ट ऑन द पोजिशन ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट. मीन्स ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें नोटिस के साथ लगा करके भेजने हैं मेम्बर्स को, जिनको भी मीटिंग जो है वो अटेंड करनी है. Companies having share capital should also state in the notice that a member is entitled to attend and vote at the meeting and is also entitled to appoint proxies in the absence. देखिए, सारे members को company की जो meeting है annual general meeting वो attend करनी ही होगी. अगर in case वो नहीं कर सकते तो उनको अपना proxy appoint करना होगा. Proxy ऐसा member होता है जो उनकी absence में, उनके अनुपस्थिति में क्या करता है, वो मीटिंग को अटेंड करता है. और वो जो प्रॉक्सी है वो आउटसाइड द कंपनी का होना चाहिए, कंपनी का मेंबर नहीं होना चाहिए. ये आपको याद रखना है. आर प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी. सो एजीएम मस्ट बी हेल्ड ऑन अ वर्किंग डे. एजीएम जो है वो एक वर्किंग डे पे होगा, मीन्स बिजनेस के वर्किंग आवर्स में ही होगा. और अगर नेक्स्ट पॉइंट देखना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस डे कोई पब्लिक हॉलीडे रख दिया है तो फिर वो उसके लिए हम एक और नोटिस जो है वो इशू करेंगे कि अब ये वर्किंग डे पे होगा, और मींस इट विल बी ट्रीटेड एज अ वर्किंग डे. हम उसी दिन जो है वो मीटिंग कंडक्ट करेंगे. कहीं मेंबर्स को ऐसा ना लगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉलीडे है तो अब ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट नहीं होगी, फिर हम उसके लिए एक और जो है नोटिस इशू करेंगे. बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड, मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग में कौन कौन से बिजनेस ट्रांजेक्ट किए जाएंगे. देखिए, दो टाइप्स के बिजनेस हैं, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल. ऑर्डिनरी कौन कौन से हैं, कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट. नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये सब उसमें मैंशन किया जाएगा. जब भी मीटिंग होगी ये सब डिस्कस किया जाएगा, एनुअल अकाउंट्स के बारे में, डायरेक्टर की रिपोर्ट के बारे में, ऑडिटर की रिपोर्ट के बारे में, फिर डिविडेंड कितना पे करना है शेयर होल्डर्स को, क्योंकि ये मीटिंग तो शेयर होल्डर्स की ही है ना. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, जो भी डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं उनके प्लेस पे कौन से नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं. फिर अपॉइंटमेंट ऑफ एंड फिक्सिंग ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ स्टैचूटरी ऑडिटर्स, जो भी स्टैचूटरी ऑडिटर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट या फिर उनकी रेम्यूनरेशन, सब कुछ इस मीटिंग में जो है वो डिस्कस किया जाएगा. इन केस ऑफ एनी अदर बिजनेस, देखिए इनके अलावा कोई भी और बिजनेस अगर डिस्कस होता है तो वो स्पेशल बिजनेस की कैटेगरी में आएगा. इट हैज़ टू बी डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड अपॉन एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऑफ द स्पेशल बिजनेस मस्ट ऑल्सो अकॉम्पनी द नोटिस कॉलिंग द मीटिंग. देखिए, वैसे तो सब ये लिखा जाएगा कि ये चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाएंगी मीटिंग में, लेकिन अगर कोई स्पेशल वर्क जो है वो डिस्कस होगा मीटिंग में तो उसके लिए एक एक्सप्लेनेटरी नोट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हमें मेंशन करनी होगी नोटिस के साथ. नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग हमारी कंप्लीट है, नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. देखिए, ये स्पेशल वर्क के लिए ही, स्पेशल बिजनेस के लिए ही होती है स्पेशली.
एक सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स की, तो इसमें क्या होता है, अगर कोई कंपनी मींस एनुअल जनरल मीटिंग से पहले कोई मीटिंग अटेंड करना चाहती है और उसको अर्जेंटली कुछ कंटेंट जो है वो डिलीवर करना है शेयर होल्डर्स को, तो वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखती है। ध्यान रखिएगा, अगर बहुत ज़्यादा टाइम बचा है एनुअल जनरल मीटिंग में और अर्जेंटली उनको कुछ बताना है शेयर होल्डर्स को, तो फिर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो कंडक्ट करेंगे। एवरी जनरल मीटिंग दैट इज़ मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी अदर देन द स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड एनुअल जनरल मीटिंग और एनी एडजर्नमेंट देयर ऑफ इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। मीन्स इनके अलावा जो भी मीटिंग होगी, स्टैट्यूटरी मीटिंग हो गई, एनुअल जनरल मीटिंग हो गई, इन सब के अलावा जो भी मीटिंग होगी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी। सच मीटिंग इज़ यूजुअली कॉल्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर सम अर्जेंट बिजनेस विच कैन नॉट बी वेट टू बी डिसाइडेड टिल द नेक्स्ट AGM। मीन्स ऐसा बिजनेस जो अर्जेंटली हमें डिलीवर करना है, ऐसी बात जो अर्जेंटली डिलीवर करनी है, वो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में कर सकते हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट सच अ मीटिंग इज स्पेशल बिजनेस, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है वो नोटिस के साथ हमें देनी होगी अगर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए, प्रोविजन होना चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का, कि अगर इन केस बोर्ड ऐसा चाहता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होनी चाहिए, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। अब ये दो टाइप्स की हैं, पहली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है और दूसरी हमारी थी कमेटी मीटिंग, ये डायरेक्टर की मीटिंग होती हैं। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग के कुछ रिक्विसाइट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक वैलिड बोर्ड मीटिंग के, वो हम पढ़ते हैं। राइट कन्वीनिंग अथॉरिटी मीन्स जिसके पास अथॉरिटी है वही साइन करके देगा नोटिस पे कि हाँ हम ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही कोई भी आकर के साइन नहीं कर देगा उस पे। एडिक्वेट कोरम मीन्स एटलीस्ट मिनिमम मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए एक बोर्ड मीटिंग में, मींस या तो वो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के 1/3 होने चाहिए या फिर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए। प्रॉपर नोटिस जो है वो एक सेंड होगा अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जो है वो कंडक्ट हो रही है। इट मस्ट बी हेल्ड या तो ये एक मंथ में एक बार होगी या फिर पूरे साल में 4 बार ये मीटिंग कंडक्ट हो सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और इसका प्रॉपर एजेंडा होगा, मींस क्या क्या उस मीटिंग में जो है वो डिस्कस किया जाएगा, वो चीज़ें, वो बिज़नेस ऑर्डिनरी है या स्पेशल बिजनेस है, वो सारी चीज़ें उस नोटिस में मेंशन होंगी। नेक्स्ट इज़ कमेटी मीटिंग। देखिए कमेटी मीटिंग क्या होती है, दिस मीटिंग इज़ हेल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क। ये बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने फिजिबिलिटी के लिए करते हैं कि उनको अपना वर्क जो है वो कोऑर्डिनेट करना होता है अगर, और ये कभी कभी स्पेशल वर्क के लिए भी कंडक्ट की जाती है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कौन कंडक्ट करता है और किस लिए कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट इज़ क्लास मीटिंग्स। क्लास मीटिंग्स बेसिकली वो होती हैं जैसे अगर कंपनी के ऑर्डिनरी ए शेयर्स एंड ऑर्डिनरी बी शेयर्स हैं, जैसे आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा कि वेरियस क्लासेस ऑफ शेयर्स होते हैं, तो अगर उनकी मीटिंग्स, ये दो जो हैं वो स्पेशल मीटिंग्स हैं, क्लास मीटिंग एंड क्रेडिटर्स मीटिंग। तो क्लास मीटिंग में हम क्या पढ़ते हैं, जो ऑर्डिनरी ए शेयर्स हैं एंड ऑर्डिनरी बी शेयर्स हैं, अगर उनकी मीटिंग्स कंडक्ट की जा रही हैं तो इनकी अलग अलग मीटिंग्स कंडक्ट की जाएंगी। बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी ए शेयर्स के अगर हम मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग अगर हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम वोटिंग राइट सिर्फ ऑर्डिनरी ए शेयर होल्डर्स को देंगे, ऑर्डिनरी बी शेयर होल्डर्स का कोई भी वोटिंग राइट उस मीटिंग में नहीं होगा। सो आ मीटिंग वुड बी कॉल्ड फॉर ऑर्डिनरी बी शेयर होल्डर्स। मीन्स अगर हमें ऑर्डिनरी बी शेयर होल्डर्स के राइट को चेंज करना है, राइट्स में चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है उनके शेयर होल्डर्स में, शेयर होल्डर्स के राइट्स में, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उन्हीं की ही मीटिंग बुलाएंगे और उन्हीं के पास ही उसका वोटिंग राइट होगा। मींस दूसरे ऑर्डिनरी शेयर्स का कोई वोटिंग राइट्स नहीं होगा। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स मीटिंग। क्रेडिटर्स की मीटिंग तब बुलाई जाती है जब कंपनी या एमलगेमेट कर रही हो, या मर्जर हो रहा हो उसका, या फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा हो। ये सब हम अकाउंट्स में पढ़ेंगे, रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, एमलगेमेशन क्या होता है, या फिर कंपनी जो है वो वाइंड अप हो रही है। इन केसेस में क्या होता है, क्रेडिटर की मीटिंग भी बुलाई जाती है, तो फिर वो अपना लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं और
उस टाइम पे कंपनी को जो है जितने भी डेट्स होते हैं क्रेडिटर्स के वो पे करने होते हैं, तो उसमें मीटिंग बुलाई जाती है और जितने भी डेट्स होते हैं वो वहाँ पर जो है वो सेटल किए जाते हैं क्रेडिटर्स मीटिंग में। सो आई होप आपको सारी मीटिंग्स क्लियर होंगी एंड आपको अच्छे से ये वीडियो समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच लर्नर्स, इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड एनी सजेशंस एनी क्वेश्चंस राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।